गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति राठौर आगरा ब्लॉग में। और यहाँ पर हो रही है प्याज छाटी जा रही है भाई, अच्छी अच्छी एक तरफ, ख़राब ख़राब एक तरफ। ऐसे ख़राब तो नहीं है पर, लेकिन जो जल्दी होने वाली है वो निकाल लिए। और ये छील रहे लहसुन और प्याज, तीनों बच्चे लगे पड़े हैं, तीनों लोग लगे पड़े हुए हैं। ये और दोनों बच्चे ये अपनी सब्ज़ी बनाएंगे स्पेशल वाली भाई, तो देखना कैसी बनाएंगे स्पेशल वाली सब्ज़ी। और यहाँ पर ये साबुत धनिया है, साबुत मिर्च है, तो मैं इसमें हल्की सी धूप लगाकर पीसूँगी इसे, नॉन मिर्चा बनाऊँगी इसका, बहुत अच्छा बनता है ये। और ये है उड़द चने की दाल, काली उड़द है और चने की दाल है, मैं बनाऊँगी आज उड़द चने की दाल। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, लगता है मुझे बात ही करती है, नुकसान करती है, फिर भी मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली दाल चावल के साथ। तो ये प्याज कट गई है उनकी, ये बनाएंगे स्पेशल वाली सब्ज़ी अपनी, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं भैया। ये देखिए कितने सारे इन्होंने इसमें सारा सामान घुसेड़ दिया, सब सामान, साबुत, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और कलौंजी और क्या बोलते हैं इसमें हींग, जीरा और अजवाइन, पता नहीं क्या क्या मसाले सारे डाल दिए। और तेजपाल के पत्ता, लाल मिर्च, साबुत, अगर इनका पास चले ना तो बहुत सारा और भी हो ना सब डाल दे, वो भी बहुत अच्छा है कि आधे खड़े मसाले थे नहीं घर पे। और साबुत, खटाई और ये प्याज इन्होंने हल्का सा भून रहे हैं, तो देखते हैं कैसी बनेगी भाई इनकी स्पेशल वाली सब्ज़ी। पर मुझे नहीं अच्छी लगती भाई इनके हाथ की ज़्यादातर सब्ज़ी, क्योंकि ये खड़े मसाले डालते हो, खड़े मसाले मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। पिसे हुए मसाले ठीक लगते हैं, या पिस जाए तो ऐसा लगता है खड़े मसाले मुंह में आते हैं तो वो मुझे नहीं अच्छे लगते हैं। तो यहाँ डाल दिया इन्होंने नमक, अब नमक कैसे डाला हाथ से, वाह ये चम्मच से भी नहीं, कोई बात नहीं चलो। तो वैसे ज़्यादातर सब्ज़ी ठीक बनाते थे पहले, अब पता नहीं कैसे बनाने लग गए हैं ये, खड़े मसाले हर चीज़ में खड़े मसाले भाई। और ये अभी मिक्सी में पिसेगी ठंडी होकर, इसे हल्की सी भुन जाएगी, फिर ठंडा करके मिक्सर में पिसेगा, फिर दोबारा भुनी जाएगी, ये हिलाते रहेंगे ये। अब तो ये ठंडी हो चुकी है, अब मैं इसे मिक्सर में पीसूँगी, फिर बनाएंगे, यही मैं नहीं बनाऊँगी। और ये मेरी है पुदीना, सुखा लिया है मैंने रायते के लिए, अच्छा लगता है रायते में पुदीना। तो यहाँ बन रही है मेरी रोटी, तो ये देखिए यहाँ पर रोटी बनने लग गई है मेरी। और तो रोटियाँ सेक लेती हूँ मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी, और गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ही ज़्यादा मन नहीं करता रोटी बनाने के लिए। और उधर मेरा घी बन रहा है, और एक कढ़ाई में मेरी दाल बन चुकी है, छोंक दिए मैंने, तड़का लगा दिया है, और एक कढ़ाई में इनकी सब्ज़ी बन रही है, तो एक में मेरी दाल बन रही है, चावल मेरे बन चुके हैं और यहाँ पे घी तैयार हो रहा है मेरे। यहाँ पर मलाई से बनाती हूँ मैं घी ज़्यादातर। और ये आ रहे हैं देखिए किचन में, बार बार देखने आ रहे भाई, और ये मुझसे बोल रहे थे कि मेरी सब्ज़ी मतलब अभी बंद करती हूँ दो मिनट के लिए। मैंने ठीक है, मैंने इनकी सब्ज़ी को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं किया है मैंने, जल गया हाथ इनका, तो हाथ जल गया था, मैंने कहा चिमटा से उठाओ, फिर चिमटे से प्लेट उठाई थी, हाथ से उठा रहे थे, वो होता है ना गर्मी ज़्यादा एकदम भाप सी लग जाती है, और भाई गर्मी तो इतनी है, इतनी हद से ज़्यादा, क्या करो, ऐसा मन करता है कि किचन में ही पंखा होना चाहिए एक, बहुत गर्मी लगती है, मन नहीं करता रोटी बनाने के लिए मेरा तो भाई बिल्कुल नहीं करता, किसी का करता हो या नहीं करता, मेरा तो बिल्कुल नहीं करता। वैसे ज़्यादातर औरतों को भाई गर्मी बहुत लगती है किचन में, और आदमियों को ये लगता है कि दो मिनट में रोटी बन जाती है, तैयार हो जाती है, क्या करना है, कुछ नहीं, सब्ज़ी रोटी बस, उन्हें क्या पता कितनी मेहनत से भाई गर्मियों में रोटी बनती है। पर ये कि वही बात है ना, और मेरी बन गई है रोटी, तैयार हो गई है बिल्कुल। अब मैं स्लिप साफ करूँगी यहाँ से, और स्लिप साफ मैं इसलिए कर देती हूँ कि भाई थोड़ा बहुत पैराथन होता है, जो आटा होता है सूखा वो फैल ही जाता है थोड़ा बहुत, तो चैटिया वगैरह हो जाती है, तो मैं हल्की हल्की कर देती हूँ, कपड़ा मार देती हूँ हल्की। और यहाँ पर देखो सब्ज़ी इन्होंने बनाई थी, तो सब जगह फैला दी थी, हल्के हल्के छींटे आ गए थे सब जगह, तो मैंने साफ़ कर दिए है बोतल वगैरह पानी की। और यहाँ मैंने उनकी अब सब्ज़ी को चेक किया है, मैंने कि लग रही है हल्की हल्की महाकारी लगने की, तो मैंने कहा चलो बंद कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं कि बार बार हिलाती भी जा रही हूँ, कहीं भाई लग ना जाए, नीचे लग ना जाए, वैसे तो लगेगा नहीं,
बहुत स्लो आँच है, बिल्कुल धीमी एकदम। और ये चावल रख लिए हैं, मुझे फिर बाद में याद आया कि थोड़े बड़ी वाली थाली में रख लेती हूँ क्योंकि चावल ज़्यादा ही खपते हैं, गर्मी है भाई। फिर कौन बार बार उठ के आए, तो मैंने कहा मुझे नहीं अच्छा लगता भाई खाने पे बार बार उठ के जाओ, भूख मर जाती है ऐसे, तो नहीं अच्छा लगता मुझे भाई। तो मैंने रख लिए थाली में बड़ी वाली में, और इसमें रख लूँगी दाल, और जो छोटी छोटी कटोरी है उसमें प्याज काट लिया है मैंने, बिना प्याज के भाई रोटी नहीं अच्छी लगती है। और सब्ज़ी रख ली, रख लूँगी उनकी एक कटोरी में, और रायता हो जाएगा। तो ये है उनकी सब्ज़ी जो बनाई है भाई, इसमें पनीर, आलू उबले हुए हैं, और प्याज क्या अटरम सटरम बहुत ही डाल दिया है। और ये बूंदी है, और मुझे बूंदी भाई रायते में जब ही अच्छी लगती है, जब मैं खाती हूँ रायता तब तुरंत, ऐसे नहीं कि फुलाने रख दो पहले तब नहीं अच्छी लगती मुझे, साथ के साथ अच्छी लगती बूंदी जब ही डालती हूँ मैं। तो ये हो गई है मेरी थाली तैयार, तो इधर रख लूँगी रोटी। तो चलिए फिर आप सब भी खा लीजिए, आज नहीं पूछी मैंने किसी से क्योंकि डायरेक्ट ले गई थी मैं थाली, याद नहीं रहा। इसमें डाला है मैंने घी दोनों सब्जियों में। तो चलिए फिर यहाँ पिस रहा है नून मिर्चा, इसमें डलेगा हींग जीरा और नमक, आप कितना भी नमक डाल सकते हो, अच्छा लगता है। ये रायते में डाल लो, ये साबुत आलू बनाते हैं, आलू भूंजते हैं उसमें डाल लो, अच्छा बनता है। ये सिलबट्टे से पीसा है, मिक्सी में जो स्वाद आता है वो सिलबट्टे में आता है, मिक्सी में नहीं आता है भाई। तो मुझे अच्छा लगा भाई, ये बहुत अच्छा लगता है हमारे घर में, सब पीसते हैं, सब डालते हैं यही रायते वगैरह में। तो एक बार टेस्ट करना, अच्छा बनता है ये। तो चलिए फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय।